हेलो दोस्तों, माय नेम इज सत्यम और मैं वापस आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम फिर से एक बार खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आज हम बनाने वाले हैं ट्रेडिंग फार्म, मतलब ये जो आप देख रहे हो टाउन हॉल मैंने बना लिया है। अब इसमें इसके अंदर सिर्फ ट्रेडिंग हॉल बनाना है। जो हमारा ट्रेडिंग हॉल होने वाला है वो कैसा होने वाला है वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। उसके लिए आपको मेरी एक वीडियो जो पुरानी वाली है वो देखनी होगी, या फिर आपके विलेज में अगर विलेजर्स काफ़ी है तो कोई बात नहीं है। पर अगर आपके विलेज में ज़्यादा विलेजर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे जो हमारा ब्रीडिंग फार्म है वो बना सकते हो, ब्रीडर वो देख सकते हो। भाई साहब बहुत सारे अभी आ चुके हैं यहाँ पे, तो हम सीधा यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। ये जो यहाँ पे रेल से वहाँ यहाँ से सीधा वो नीचे आएंगे और नीचे मैं दिखा देता हूँ कहाँ तक जाएंगे। और सीधा यहाँ पे आकर ये जो मैंने थोड़ी सी सिस्टम बना के रखी है ताकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना बने, इससे ये सीधा अंदर आ जाएंगे। और बाद में मेरे कंस्ट्रक्शन अभी ये जारी है और बाद में मैं आपको बता दूंगा कि आगे क्या करना है। पर उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने इससे पहले क्या क्या किया है। ये जो लीवर है वो हमें अभी इस तरफ करना है, क्योंकि जब आप किसी भी रेल को ऐसा लग लगाएंगे ना तो सीधा रेल जो हट्टी है इसकी वजह से हमारा, देखा था मैं अभी कैसे होने वाला है। ये भी ऐसा 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 रखोगे तो हो जाएगा। अब अभी तो ऐसा रखना है, यहाँ से हमारे जो सारे विलेजर्स है वो इस ट्रेडिंग हॉल में आएंगे और उसके बाद जो हम उनसे कोई भी हमें जो चाहिए होगी वो ट्रेड करवा लेंगे, मतलब एक बार करवा लेंगे। अगर हमें बुक अच्छी लगी तो वो ले लेंगे। और उसके बाद ये जो विलेजर है वो फिर से नीचे आएंगे, मतलब जब आपको ऐसा रखना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने एक जो ज़ॉम्बी है उसे रखा है, तो इसका नाम हमने रखा है नेमलेस, मतलब कुछ भी रख दिया। ओ भाई मारना मत उसे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से सीधा हमें एक मतलब गोल्डन एप्पल चाहिए होगा और उसके नहीं वीकनेस पोर्शन और गोल्डन एप्पल की वजह से उसे हम क्योर करेंगे। और जो हम सस्ती ट्रेड कर देगा, बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है वो, अल्ट्रा सस्ती ट्रेड्स भी आप उसे कह सकते हो। उसके बाद हम उसे जो हमारा ट्रेडिंग हॉल है उसमें डाल देंगे। ट्रेडिंग हॉल मतलब यहाँ पे हम भी सेक्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब छोटे छोटे एरियाज में उसे उन्हें रखने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, पर उसके पहले मैं घर पे सो के आता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा कोई भी तरीके के ब्लॉक, थोड़े से रेल्स जो हम आपने देखे कि मैंने किसके लिए यूज किए। ये जो माइंड कार्ड है वो एक दो चल जाएगा। और ये जो आपके जिस तरीके के भी आप विलेजर्स बनाना चाहते हो, मुझे तो भाई भाई एक कार्टोग्राफर चाहिए होगा और बहुत सारे लाइब्रेरियंस, और ये फ्लेचर भी बन जाएगा तो वो भी बना लेंगे। और आगे आगे हम और भी इसमें ऐड करते रहेंगे जो जो हमें विलेजर्स चाहिए होंगे। और उसके बाद थोड़े से लीवर ताकि आप वो जो रेल चेंजिंग होती है ना वो भी कर सको। और उसके बाद रेल स्टोन टॉर्च और थोड़े से बेड, और ये तो मैंने ऐसे ही बना लिया था अपने लिए। और बस इतना ही ये होगा। और मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ से कैसे उन्हें विलेजर्स को लाने वाला हूँ। उसके पहले हम थोड़ा सा ये भी बना लेते हैं, जो भी वहाँ पर जो कैद कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रखेंगे तो अभी यहाँ पे तो ये पैग आएगा, फिर इसमें आएगा विलेजर, फिर यहाँ पे पैग होगा, फिर इसमें आएगा विलेजर। पहले ये यहाँ से लगा देते हैं, जितने ज़्यादा विलेजर्स होंगे उतना हमारे लिए भाई साहब अच्छा है। तो यहाँ से एक यहाँ पे विलेजर, फिर और यहाँ पे पैग कर देते हैं, ठीक है ऐसा हो जाएगा। फिर हमें बस यहाँ पे विलेजर लाना है। बेड तो हम ऊपर भी लगा सकते हैं, हम एक एक विलेजर को लाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मतलब अगर ज़्यादा विलेजर एक साथ आ गए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी कौन सा भी चीज़ पकड़ सकता है। तो अभी यहाँ पे नीचे जिस यहाँ जो हमने ब्लॉक लगाया ना उसके ऊपर हमें एक स्लैब लगाना है। इसके ऊपर यहाँ पे आएगा स्लैब, जो सारे जगह मैं लगा देता हूँ। उसके बाद हमें जो नीचे का जो ब्लॉक है वो भी तोड़ना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम लगाएंगे जो हमें जो टेबल्स होते हैं वो लगाएंगे, जिससे जो विलेजर है वो जॉब पकड़ सके जल्द से जल्द। और ये भी तोड़ देते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा पैक कर देते हैं। अभी हम इस जगह के लिए अगर विलेजर्स हमें चाहिए ना तो सीधा मैं काम कर लूँगा, जो मैं रेड वन मिनट लाता हूँ थोड़ा सा। ये बहुत ही इफ़िशियंट होने वाला है और आपको बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही ज़्यादा सामान इससे मिलने वाला है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। ये आएगा यहाँ पे और इससे आप कनेक्ट कर दीजिएगा इससे। ये देखो ये कनेक्ट हो चुका है, अब ये स्टॉप हो जाएगा यहीं पे ही, क्योंकि इसे हम चालू नहीं रखने वाले। पहले सीधा विलेजर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर बाद में हम इसे तोड़ देंगे इस वाले को और इसे पैक कर देंगे, या फिर ये इसी से ही ट्रेडिंग कर देंगे। जो हमें जब तक हमें ट्रेडिंग करनी है ना वो करना है, उसके बाद हम परमानेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर उसके पहले हम थोड़ा सा ऊपर से भी इसे पैक कर लेते हैं, यहाँ से पहले ऊपर। तो यहाँ से सारा पैक हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो देख सकते हैं कि सामने से एक ऐसा लग रहा है, नीचे जो आपको लगानी है वो टेबल जाएंगी। पहले मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ। ओके, देख सकते हो यहाँ तक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके, तो हो चुका है। अभी हम विलेजर्स को लाते हैं, पहले एक विलेजर को लाएंगे और बाद में दिखा देता हूँ कि मैं आपको आगे क्या करने वाला हूँ। तो ये जो डोर है वो पहले इस तरीके से रहेगा, क्योंकि सीधा विलेजर नीचे आना चाहिए।
तो अभी ऊपर जाता हूँ और पहले जो विलेजर है उसे छोड़ता हूँ। ओके, तो हमने विलेजर जो बड़ा विलेजर इसे निकाल लिया, अब बस इसे धक्का देना है। ओ भाई साहब, वो किधर निकल गया? हाँ, वो बड़े भी हो गए मेरे ख्याल से। यहाँ फ्लेचर क्यों बन रहे मुझे मालूम नहीं, फ्लेचर ही कहते हैं शायद उन्हें। तो अभी अभी तो हम इसे बस धक्का देना है। चल भाई, चल चल चल, जल्दी चल, सफोकेट मत हो। चल ओके, अब तो ये इसे सीधा इसमें चला जाएगा। बताता हूँ क्या आगे क्या करना है। यहाँ पे आ जा, बस हो गया। बाद में ये आपको तोड़ना है बस, और इसको पैक करना है ताकि वो बाहर ना आ सके। हमारे घर में जो सामान है वो उसके लिए वो पकड़ रहा था उसकी जब, तो मैं घर पे सारा भाई साहब जो हमारे बैरल थे ना वो तोड़ के आ चुका हूँ। अबे यार ओके, अभी तो ये कुछ खास देता नहीं है। मैं तो मेरे लिए एक अच्छी सी बुक चाहता हूँ कि अगर मेंडिंग की मिले तो अच्छा है। ये देखो, ये अभी ये कोई जॉब नहीं पकड़ रहा है इसके लिए। भाई साहब बन जा फिर से एक बार। ओके, ऐसा काम करो ना भाई साहब, तेज़ी तेज़ी के साथ होता है। तो मैं पहले इस ऐसे ही अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक ढूंढता हूँ, अगर फॉर्चून की मिली तो अच्छा है, और वरना मेंडिंग भी चल जाएगी। मल्टी शॉट नहीं चाहिए भाई साहब। ओके ठीक है, मैंने इसे भाई साहब फायर एक्सपेक्ट 2 में लेने वाला हूँ, क्योंकि उससे बहुत ही इस समय मुझे हो मेरा हो सकता है। तो मैं अभी बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मैं इससे कोई भी एक ट्रेड कर दूंगा, मेरे पास पेपर तो बहुत है, तो सीधा पेपर इसे बेच देते हैं। और भी है पेपर, सारे बेच देंगे। थोड़े रख देते पेपर, क्योंकि जो बाकी के होने वाले हैं उनके लिए भी लगेगा। तो अभी क्या करते हैं, अब तो भाई साहब अपने ट्रेड बदलने वाला है नहीं। ये भी तोड़ना है, ये जो हमने वैसे ही बना था। हमारी जो एक्सपी भी आ चुकी है, भी यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, और इससे ये हो चुका है। अभी बस यहाँ से जो हमारा रास्ता है वो बदल देना है हमें, और यहाँ पे पुश करके जो लेके जाएंगे। तो ये तोड़ना पड़ेगा, तो अभी इसे धक्का दे देते हैं। बाद में सीधा सीधा ये यहाँ पे आएगा। नीचे गया नहीं, चल नीचे जा, चल ये धक्का देना पड़ता है यार। ओके, अभी सीधा नीचे जाएगा। और ये देखो, हमारा जो नॉ नाम है इसका, नॉन नेमलेस, वही अपना सारा काम कर देगा। ये होने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ यहाँ पे जो हमने टॉर्च लगाया ना वो पहले तोड़ देते हैं। यहाँ पे एक लीवर आएगा, टॉर्च नहीं आएगी। तो अभी ऐसे हमने अबे यार रुक, ऐसे थोड़ा सा आपको इसमें मार खानी पर, नहीं मार खाने की जरूरत नहीं है, ये चालू कर देना है और थोड़ा सा टच करना है, हो गया। वो वहाँ पे आगे रुक जाएगा। बस आपको एक गोल्डन एप्पल चाहिए होगा और वीकनेस पोर्शन, तो मैं वो पहले बना के लाता हूँ। और इसे बनाने में बहुत परेशानी हुई है, तो इसमें पहले डाल देंगे हमारा जो लगेगा ये, और थोड़े से बॉटल्स आएंगे, और यहाँ पे ये सीधा उसमें डाल देंगे नेदर वॉट। और क्या, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शुगर भी बना लेते हैं, और मशरूम लगेगा, और ये हमारे पास बाकी का जो सामान है वो तो है ही। तो पहले फर्मेंटेड आई भी बना लेते हैं, कितने बनते हैं उतने भाई साहब बनते, तो एक में ही वैसे काम हो जाएगा। और ये बन चुके हैं, और इसके बाद इसमें डालने फर्मेंटेड आई। हाँ ये बन चुके हैं मेरे ख्याल से, वीकनेस, हाँ वीकनेस। ओके, तो इसमें अभी डालने हमें गन पाउडर, तो हो जाएगा फ्लैश पोर्शन ऑफ वीकनेस। ओके बन चुका है, तो एक ही ले लेते हैं, क्योंकि नहीं दो ले लेते हैं, क्योंकि कुछ गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे विलेजर है तो दूर रहेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर से। ओके इसके ऊपर, और हमें नहीं मिल गया, और हमें अब आएगा क्योर, आया नहीं। ओके, तो थोड़ी देर में अपना काम शुरू कर देगा, और मेरे ख्याल से बन जाएगा ये विलेजर जो हमें चाहिए था। तो ठीक है यार, तो अभी जो हमारा नॉर्मल विलेजर है वो बन चुका है, और देखेंगे कि ये क्या देता है पिछले। ओ भाई साहब देख सकते हो, फायर एक्सपेक्ट 2 दे रहा है, 1 एमरल्ड में दे रहा है, तो भाई साहब ये बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे आएगा, चल रुको रुको, उससे पहले ये काम करना पड़ेगा। हाँ ये हो चुका है, सीधा ऊपर जाएगा। तो अभी इसको थोड़ा एक पुश, और ये सीधा अपने घर में हो गया, ये भी अपना काम हो चुका है। और इसके बाद ये तोड़ देंगे, ये भी तोड़ देंगे, और ये आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे। ओके, तो ये पूरी तरीके से पैक हो चुका है। इसे नाम भी दे देते हैं, एक भाई साहब अच्छी तरीके से एक नाम ले ले तुझे। आ नहीं रहा है, अभी आएगा नेम। ओके, ये फायर एक्सपेक्ट 2 वाला हो सॉरी, अब हमारा काम हो चुका है। अब बस ऐसे ही करके यहाँ पे लाना है, और दूसरे विलेजर को यहाँ पे रखना है, और जो जितना हो सके उतने विलेजर आप रख सकते हो, मतलब जितने चाहिए उतने रख सकते हो। ये विलेजर तो हमें अभी 1 बुक और 1 एमरल्ड में ही दे रहे हैं फायर एक्सपेक्ट 2। आपको ऐसे मेंडिंग भी ले सकते हो, मैं अभी मेंडिंग के लिए ट्राई भी करने वाला हूँ। और उसके बाद आप बहुत सारे एमरल्ड भी इसे बेच बेच कर ले सकते हो, क्योंकि फार्मर से भी आप बहुत ही
कम कैरेट या फिर पोटेटो बेचकर बहुत ज़्यादा एमराल्ड ले सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।